नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। नगरीय प्रशासन मंत्री ने महाकाल लोक उत्सव की समीक्षा बैठक ली। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा, यदि आरोप प्रमाणित होंगे तो जांच कराएंगे। 11 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किए जाने के मद्देनजर आयोजन के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा हेतु नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया, विधायक पारस जैन व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक आहूत की। मंत्री ने मीडिया के समक्ष कहा कि सभी लोग उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं विस्तारीकरण में उठ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि यदि आरोप प्रामाणिक होंगे तो जांच भी होगी। देखिए, आज सभी वरिष्ठ लोग की उपस्थिति में जो 11 तारीख का आयोजन है, महाकाल लोक जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग समितियां बनी हुई हैं और सभी समितियों के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो अभी आज हम सब लोगों ने मिलकर जो अभी तक की तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की है और बहुत उत्साह से सभी लोग लगे हुए हैं। मतलब महाकाल लोक के निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो या कोई इस तरह की समिति या कोई गुणवत्ता के लिए कुछ समिति इसकी बनाई जाएगी क्या? देखिए, मेरा आग्रह है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में अगर इस तरह का कोई विषय है तो आप संबंधित लोगों को लिख के दें, उसकी अगर कहीं पर ऐसा लगेगा तो जांच हो जाएगी। पर संयस्त के समय भी कांग्रेस के लोग इस बात को कहते थे, तो कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो कांग्रेस के लोग सामान्य रूप से एक सामान्य शब्द होता है भ्रष्टाचार का, तो कोई प्रमाणिक आरोप उनके पास किसी बात को लेकर है तो वो पता है, सरकार हमेशा जांच कराने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह साहब के जन्म दिवस को मिलाद उन्नबी के रूप में मनाते हुए दाऊदी बोहरा समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य जुलूस निकाला गया। रसूलुल्लाह साहब के जन्म दिवस को मिलाद उन्नबी के रूप में मानते हुए दाऊदी बोहरा समाज द्वारा कमरी मार्ग स्थित मजारे नजमी से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो गोपाल मंदिर, छत्री चौक, सब्जी मंडी सहित विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मजारे नजमी पर समाप्त हुआ। जुलूस में शहर पांचों आमिल साहब, शेख मोइज भाई सुनहेल वाला, शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मुर्तजा भाई रामपुरा वाला, शेख मोइज भाई दरगाह वाला, शेख मोहम्मद भाई वारधा वाला सम्मिलित हुए। जुलूस में अश्वरोही दल के साथ स्काउट बोहरा बैंड भी कदम ताल मिलाते हुए सम्मिलित हुआ। जुलूस का पूरा जिम्मा BGI कमेटी ने संभाल रखा था। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। जानकारी समाज PRO शेख अली असगर मोयदी ने दी। मुंबई के डोंगरी इलाके से लगभग 2 करोड़ के आभूषण लेकर उज्जैन पहुंचे थे 2 आरोपी। पुलिस द्वारा पूछने पर नहीं दे पाए 4 किलो सोने की सही जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पूर्व उज्जैन क्राइम ब्रांच होटल लॉज की चेकिंग कर रही है। CSP विनोद मीणा ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि महाकाल थाना क्षेत्र में दानीगेट चौराहा के पास होटल में अवैध तरीके से मुंबई के रहने वाले 2 लोगों के पास 4 किलो अवैध सोना है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच को दानीगेट स्थित होटल अवंती से मुंबई निवासी हेमंत जैन और जतिन जैन के पास से 4 किलो के आभूषण बरामद हुए हैं। दोनों मुंबई के डोंगरी में रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि 2 किलो के आभूषण ज्वेलर्स को देना है, बाकी किलो सैंपल के हैं। संदेह के आधार पर आभूषण जब्त कर दोनों को हिरासत में लिया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की विजिट है उज्जैन के अंदर, तो पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान निरंतर तौर पर चलाया जा रहा है। उसी के तहत क्राइम ब्रांच को और थाना महाकाल की टीम को एक लीड मिली थी, एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो इस
तरीके का अवैध सोने का परिवहन कर रहा है। तो उस सूचना की जब हमने तस्दीक करी और जब इनको जब हमने इनके यहाँ पे रेड डाली तो हम इनके पास से 4 किलो के आसपास सोना हमने सीज किया इनके पास से। मौके पर जब हमने इनसे पूछताछ की पड़ताल की तो ये कोई भी ऐसा साक्ष्य या कोई भी ऐसा सबूत हमको दे नहीं पाए जिससे सिद्ध होता है कि भाई ये इन्होंने लेजिट तरीके से ख़रीदा है। तो उसी के तहत हमने CRPC की धारा 102 के तहत इसको सीज़ किया है और साथ ही में इसके बाद हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जैसे रेवेन्यू, IT अथॉरिटीज़ और GST उनको लिख के इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में सोना कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ उज्जैन या इंदौर की दीवार से भी कहीं सप्लाई? अभी जो हमने इनसे पूछताछ की उस पर निकला है कि मुंबई के हैं रहने वाले और ये इंदौर, उज्जैन, देवास आसपास में इनका इस तरीके की सप्लाई ये प्राय किया करते थे। पूर्व में भी ये माधवनगर थाना के अंदर इनके खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध हुआ था इसी प्रकरण को लेके। तो फिलहाल ये मुंबई से आए थे और आसपास के जिलों के अंदर इसका परिवहन कर रहे थे। जिला कटनी से आए मजदूरों से नागदा के वकील ने कटवाई फसल और हड़प ली मजदूरी, मजदूरों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। कटनी जिले के लगभग 23 मजदूर नागदा पहुंचे थे, वहां किसी बंजारा वकील ने उसके और उसके परिजन के खेत में फसल कटाई करा ली और इन आदिवासियों की लगभग 1 लाख रुपयों की मजदूरी हड़प ली और हाथ खर्चा देकर डराया, धमकाया और चलता कर दिया। अब मजदूरों ने उज्जैन कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत मजदूर नरेंद्र कुमार ने बताया, श्रीमान जी हम लोग यहाँ नागदा पे उतरे, हमको वकील ने लेके गया, वकील आया करके नाम से है, वो बोला कि क्या करते हो, हमने बोले कि सर मजदूरी करने के लिए आए भैया जी, तो बोले कि क्या मजदूरी करते हो, हमने कहा कोई भी मजदूरी मिल जाती है, तो बोला सोयाबीन काटते हो, हमने कहा जी सर काटते हैं, बोला मेरे इधर चलिए मेरे पास काटिए। हमने 23 मजदूर मिल के वकील के इधर हमने 5 दिन मजदूरी किया, 5 दिन मजदूरी करने के बाद में प्रांत में हमको 1500 रुपये खाली वकील नाम का दिया, बोला कि बेटा ये खर्चा ले लो सब्जी भाजी का, मेरे साले की इधर चले जाओ मुकेश की इधर, मुकेश की इधर गए तो मुकेश की इधर हमने 6 दिन काम किया, मुकेश ने हमको 3400 रुपये दिया और बोला 3400 काम ख़त्म होने के बाद हमको क्या बोलता है कि रात में आए हुए 4-6 गुंडे लेके आया मुकेश और वकील ने, चाकू तलवार दिखा रहे थे, बोले कि यहाँ से भाग जाओ गोली मार देंगे, आपकी जवान लड़कियों को उठा लिया जाएगा, ऐसा करके हमको धमकी दिया गया। हमने वहाँ से पैदल भूखे प्यासे आज 4 दिन से तड़प रहे हमारे बच्चे रोड पे, तड़पते तड़पते कलेक्टर महोदय के पास आए, कलेक्टर महोदय के पास ने अर्जी सुनाए, बोले कि आपका पेमेंट कल अभी 8 बजे हो जाएगा। हम 12 बजे रात में जैसा हुआ 12 बजे नाइट में पुलिस आई, यहाँ बारिश बहुत तेज चालू रही और रात में बारिश ही होते में हमको यहाँ से भगा दिया गया और ले जाके स्टेशन में हमको पूरे मैं बच्चों से फेंक दिया गया। हमारे बच्चे अभी भूखे प्यासे कलेक्ट्रेट के सामने तड़प रहे श्रीमान जी। हमारा कौन से जिले से कहाँ से? हम जिला कटनी है श्रीमान जी, तहसील ढीमरखेड़ा, थाना ढीमरखेड़ा, ग्राम पंचायत गुड़ा पोस्ट पिंड रही के रहने वाले आदिवासी लोग हैं। हमारा हक मजदूरी कलेक्टर महोदय से हमारी दसों गरीब से विनती है कि हमने कितना पेमेंट आपका बाकी होगा। हमारा एक के पास है 48,000 है, एक के पास 59,500 है श्रीमान जी, इतना पेमेंट हमारे देने के लिए मैं वो बोले। दस से आप यहाँ कैसे हैं? पैदल आए श्रीमान जी, पैदल चल चल के 3-4 दिन में पहुँचे, बच्चे लोग रो रहे, कोई रोड में ऐसे तड़पते आए, रोड में कोई मिल जाता था रोटी दे देता तो हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अब बोले कि अगर तुम कहीं भी मिल जाओगे अगर इस क्षेत्र में तो हम तुमको जान से मार देंगे, यहाँ नागदा थाना हमारा खरीदा है, हम चंदन लकड़ी बेचते हैं, हमारा बंजारा नाम है, हमारा यहाँ का पूरा थाना खरीदा रहता है, अगर तुम यहाँ कहीं भी मिल जाओगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आपके नौजवान लड़कों को उठा लिया जाएगा। नानाखेड़ा दशहरा उत्सव समिति द्वारा 6 अक्टूबर को 18वां रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, बड़ी संख्या में रावण दहन देखने पहुंचे नगरवासी। स्थानीय नानाखेड़ा स्टेडियम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया व महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी के आतिथ्य में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष अभिषेक सिंह सिसोदिया, अभिषेक सांगले व संजय जोशी द्वारा अतिथियों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ, अरुण वर्मा, नाना तिलकर, संतोष यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में परंपरा का निर्वहन करते हुए राम, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन अभिषेक किया गया। उपस्थित जनसमूह ने हनुमान जी का अभिवादन किया, पश्चात श्री राम द्वारा आकर्षक आतिशबाजी के बीच रावण दहन किया गया। कार्यक्रम के बाबत संस्था अध्यक्ष अभिषेक सिंह सिसोदिया ने बताया।
ये 18वां कचरा महोत्सव है। इस बार मुख्य अतिथि मोहन यादव जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया जी, महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी उपस्थित रहे। पिछले 18 वर्षों से हम विगत कंटिन्यू रावण दहन कर रहे हैं। पुरानी रंजिश और आपसी लेन देन के मामले में दो युवकों पर हुए हथियारों से हमले, जिला अस्पताल में जारी है उपचार। महानंदा नगर निवासी हर्षद कल्याणी पिता दिनेश कल्याणी उम्र 40 वर्ष का नरेंद्र गुर्जर से पुराना विवाद है। हर्षद ने बताया कि नरेंद्र गुज्जर कई दिनों से उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब वो इस मामले में नरेंद्र गुज्जर से बात करने पहुंचा तो नरेंद्र गुज्जर ने मनीष गुर्जर, गोविंद जाट व राज जाट के साथ मिलकर विवाद करते हुए हर्षद कल्याणी पर तलवार और पाइप से हमला कर दिया, जिससे हर्षद का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और सीने व सिर में चोट आई है। कल रात तकरीबन 9:15 बजे नरेंद्र गुज्जर, जो कि महानंदा में रहता है, उसने पहले भी मेरे खिलाफ़ झूठी FIR कर रखी और मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था वो कई दिनों से। मैं उसको समझाने गया तो नरेंद्र गुज्जर, मनीष गुज्जर, किरण गुज्जर, गोविंद जाट, राजा जाट, इन लोगों ने एक मत होकर तलवार पाइप से मेरे ऊपर हमला करा, जिससे कि मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर है। इसी तरह एक अन्य विवाद में बालाजी परिसर निवासी विशाल बैरागी पिता सत्यनारायण बैरागी उम्र 25 वर्ष ने अपने दोस्त बागपुरा निवासी उदित अखंड को जेल से छुड़वाने के लिए उसकी पत्नी मुनमुन अखंड को 2 साल पहले 20,000 रुपये दिए थे। जब विशाल द्वारा रुपयों की मांग की गई तो उदित अखंड, गोलू अखंड, रोहित मेहर, चेतन और निर्मल ने विशाल बैरागी को सर पर डंडा मार दिया और कहा कि कोई भी पैसे नहीं है। विशाल ने उदित पर जेब से 15,000 नकदी, मोबाइल व साथ में गाड़ी की चाबी ले जाने का भी आरोप लगाया है। बताइए क्या घटना हुई? मेरे साथ बाबा के बैठा हुआ था तो उदित और उसके भाई गोलू और बंसी ने और चेतन ने मिलकर मेरे सर पर हमला करा, पीछे एक चाकू मारा है। पुराना कोई विवाद नहीं था, पैसे का लेन देन था। ये जब उदित जेल में बंद था उसकी औरत को मैंने पैसे दिए थे 20,000 रुपये। जब मेरी वाइफ पैसे मांगने गई तो उदित ने मेरी वाइफ को गाली गुत्ता करी। शहर में और भी एक गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन जिले की कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा शुक्रवार दोपहर उज्जैन पहुंची और क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों की बैठक ली। दरअसल शोभा ओझा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की सेहत जानने उज्जैन आई। उन्होंने संभाग के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निजी तौर पर चर्चा कर उनके संगठन की स्थिति जानी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। मीडिया से भी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अब केवल काम ही चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को महाकाल लोक अनावरण के बारे में शोभा ओझा ने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बनाया हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। देखिए, आज मैं खास तौर पे संगठन के हर अलग अलग धड़ से मिलने आई हूँ। ब्लॉक अध्यक्षों से मिलूंगी, सब तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मिलूंगी और कुल मिला के उज्जैन जिले में कांग्रेस की सेहत क्या है, ब्लॉक है तो ब्लॉक अध्यक्ष है तो ब्लॉक अध्यक्ष की टीम है कि नहीं है, मोर्चा संगठन है उनके अध्यक्ष हैं तो उनकी पूरी कार्यकारिणी बनी है कि नहीं बनी है, ये तमाम चीजों का जायजा लेकर उसके बाद एक आकलन करेंगे कि वाकई कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है या थोड़ा और उनको ताकत देने की जरूरत है, जिससे कि संगठन और सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के 23 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और उसी के तहत हर संगठन को सक्रिय करने के लिए आज बैठक। देखिए, पिछले 12-13 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और उज्जैन के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। उज्जैन की चर्चा कब आई? हम सब जानते हैं कि उज्जैन की चर्चा तब आई जब आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उज्जैन कॉरिडोर की बात करी और उज्जैन के विकास का सपना देखा, महाकाल की इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय मैप पे ले जाने का सपना ही नहीं देखा, उसका काम शुरू किया। आज ठीक है प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन कर रहे हैं, पर ये सपना और इसकी शुरुआत किसकी थी? वो आदरणीय कमलनाथ जी की थी, उनकी सोच थी जो उज्जैन का ये विकास की जो सोच थी और महाकाल जी
कि जो एक पूरे विश्व में उस मंदिर की मान्यता बढ़े, उसके और जो प्रयास, जो पहला कदम कमलनाथ जी ने उठाया था उसका उद्घाटन करने मोदी जी आए, ये हर उज्जैनवासी ही नहीं पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।